नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको कक्षा 8 का पाठ 17 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है बाज और सांप। तो चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बलखाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें, वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। ना किसी से लेना, ना किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, जीना चपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बार सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हांफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरती हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश? आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकूंगा सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज बरसों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप को सिर पिटास आ गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश की प्रतीक्षा पैदा हो गई, जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल हो कर झटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है, तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा।
किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हों। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोकल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। ना जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसकी रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। आगे देखते हैं। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर भी बेपक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बास तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोकल को बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छता से क्या लेना देना। ना वहाँ छत, ना दीवारें हैं, ना रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। और निडरवाज शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। इस पाठ के लेखक है निर्मल वर्मा। अब देखते हैं हम इसके अभ्यास प्रश्नों को।
सबसे पहले है शीर्षक और नायक। लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी की दो पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने बाज और सांप ही को क्यों चुना, आपस में चर्चा कीजिए। तो ये आप लोगों के लिए है, आप लोग कीजिएगा। अब आते हैं कहानी से। घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। इसका उत्तर है, घायल होने के बाद भी बाज ने यह कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। उसने अपनी जिंदगी को भरपूर भोगा। वह असीम आकाश में जी भर कर उड़ान भर चुका था। जब तक उसके शरीर में ताकत रही, तब तक ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे भोगा ना हो। वह अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट था। अब अगला प्रश्न है, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। इसका उत्तर है, बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा। उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा। बाज साहसी था। वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था, अतः कायर की मौत नहीं मरना चाहता था। वह अंतिम क्षण तक जीवन की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना चाहता था। अगला प्रश्न है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि वह मानता था कि वह उड़ने में सक्षम नहीं है। पर जब उसने बाज के मन में आकाश में उड़ने के लिए तड़प देखी, तब सांप के मन में भी उत्सुकता जागी कि आकाश का मुक्त जीवन कैसा होता है। इस रहस्य का पता लगाना ही चाहिए। तब उसने भी आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश करने का निश्चय किया। अगला प्रश्न है, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था। बाज की बहादुरी पर प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया था। उसने अपने प्राण गवा दिए, परंतु जिंदगी के खतरे का सामना करने से पीछे नहीं हटा। अब अगला है कि घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा। इसका उत्तर है कि सांप का शत्रु बाज है, चूंकि वो उसका आहार होता है। घायल बाज उसे किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए घायल बाज को देखकर सांप के लिए खुश होना स्वाभाविक था। अब अगला है कहानी से आगे। कहानी में से पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। कहानी की स्वतंत्रता से संबंधित पंक्तियां। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना आया हूं। आह काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुरी दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। अब अगला है, मानव ने हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की, आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है। इसका उत्तर है, मानव ने आदिकाल से ही पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा मन में रखी है, किंतु शारीरिक असमर्थता की वजह से वह उड़ नहीं पा रहा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य हवाई जहाज का आविष्कार कर दिखाया। आज मनुष्य अपने उड़ने की इच्छा की पूर्ति हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, गैस बलून आदि से करता है। अब देखेंगे हम भाषा की बात। भाषा की बात अर्थात ग्रामर की बात है, यहाँ पर मुहावरों के बारे में है। यदि मुहावरों को आपको और डिटेल से पढ़ना है तो हिंदी ग्रामर के सारे वीडियोज आपको इस वीडियो के आखिरी में मिल जाएंगे। सबसे पहला है कि कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे भाप लेना मतलब होता बच्चों का मुंह देखकर माता जी ने परीक्षा का क्या नतीजा आया होगा यह भाप लिया। ऐसे ही हिम्मत बढ़ाना, मित्र के आने पर ही परीक्षा के लिए राहुल की हिम्मत बंधी। फिर है अंतिम सांस गिनना, दादाजी की गिरती सांसें देखकर माता जी ने स्थिति भांप ली कि वे
उनकी अंतिम सांस गिन रहे हैं। अब चौथा है मन में आशा जागना। शिक्षिका की कहानी ने मेरे मन में आशा जगा दी। प्राण हथेली में रखना। सिपाही ने देशवासियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को हथेली में रख दिया। अब अगला है आरामदेह शब्द में देह प्रत्यय है। यहाँ देह देने वाला के अर्थ में प्रयुक्त है। देने वाले के अर्थ में दा प्र दा दाता दाई आदि का प्रयोग भी होता है, जैसे सुखद सुखदाता सुखदाई सुखप्रद। उपर्युक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर दो दो शब्द बनाइए, जैसे दा प्रत्यय से सुखद दुखद, दाता से परामर्शदाता सुखदाता, दाई से सुखदाई दुखदाई, देह से विश्राम देह लाभ देह आराम देह, प्रद से लाभप्रद हानिप्रद शिक्षाप्रद। हम इनके शब्दार्थ को देखते हैं। शिखर पहाड़ की चोटी, सरिता अर्थात नदी, सिट पिटाना भय या घबराहट से सहम जाने को ही हम क्या बोलते हैं, वह तो सिट पिटा गया। असीम जिसकी कोई सीमा ना हो, अपार खोखल खोखली जगह बड़ा छेद। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।